प्रयागराज में अपने हाथों में तख्तियां लेकर नर्सिंग अभ्यर्थियों ने स्टाफ नर्स की नियुक्ति पत्र में देरी की मांग को लेकर लोक सेवा आयोग गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। स्टाफ नर्स की यही पुकार, भाजपा सरकार नियुक्ति दो। काफी संख्या में प्रदर्शन कर रही अभ्यर्थियों ने बताया कि 3 अक्टूबर को परीक्षा दिया गया, जनवरी में वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आयोग की तरफ से जल्द नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने की बात कही। ऐसे में अक्टूबर में 1 साल का समय पूरा होने को है, जबकि नियुक्ति पत्र आज तक नहीं जारी किया गया। सर, हम स्टाफ नर्स हैं, हम 3014 लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं UPSC स्टाफ नर्स सेकेंड ग्रेड। सर, हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था 4 अक्टूबर को और उसके बाद से हम लोग का DV हो गया फरवरी में। DV होने के बाद अभी तक हम लोग का डिले हो रहा है, हम लोग की ज्वाइनिंग का डिले हो रहा है। हम लोग कई बार यहाँ पर आए हैं, पूछा है, प्रदर्शन किया है। 22 जून को हम लोग आए थे, तो 22 जून को हम लोग ने प्रदर्शन किया था, तो हमें यह आश्वासन दिया गया था कि कमिश्नर भी थे यहाँ पे, प्रेजेंट थे यहाँ के, तो उन्होंने उनके सामने अध्यक्ष लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आपका काम शीघ्र से शीघ्र होगा सर, बट अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स अभी तक हमें मिला नहीं है। उन्होंने हम चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दे दें। जो फाइलें इन्होंने तैयार कर दी, रीचेकिंग कर चुके हैं, वो फाइलें तुरंत से तुरंत लखनऊ पहुंचा दें, तो हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। क्योंकि सर 1 साल होने वाला है, जुलाई में हम लोगों ने फॉर्म भरा था, जुलाई फिर से आ गया, अभी हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी गई हम लोगों। काफी संख्या में प्रदर्शन कर रही अभ्यर्थियों ने बताया कि 3 अक्टूबर को परीक्षा दिया गया, जनवरी में वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आयोग की तरफ से जल्द नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने की बात कही। ऐसे में अक्टूबर में 1 साल का समय पूरा होने को है, जबकि नियुक्ति पत्र आज तक नहीं जारी किया गया। सर, हमारी वैकेंसी को 1 साल हो गया है, 3 अक्टूबर को पेपर दिया गया था, जनवरी में वेरिफिकेशन पूरा हुआ था और ये बोला गया था मई तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, मई में भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। कोर्ट ने बोला कि 45 दिन के अंदर आप वेरिफिकेशन कर लीजिए, कुछ हाई कोर्ट केस चल रहा था, वो भी उनका पूरा हो गया, फिर भी ज्वाइनिंग का कोई अभी सुनवाई में नहीं है। तो अभी ये है कि अगर जो हमारी फाइलें हो गई हैं चेक, तो उनको लखनऊ भेज दें और हमारी ज्वाइनिंग दे दें। सर, हम लोग अभी सारी अपनी NHM में जो कर रहे थे, उन्होंने भी नोटिफिकेशन दे के, वो भी जॉब छोड़ के बैठे हैं। जिनका CHO सिलेक्शन हो गया था सर, उन्होंने भी जॉब छोड़ दी कि इसकी ज्वाइनिंग पता नहीं कब हो जाए, वो भी सर ऐसे ही घर में बैठे हैं। सर, हम लोग इतना मेंटल फ्रस्ट्रेशन हो गए, इतने परेशान हो गए, उसके बाद सर ये हमारी ज्वाइनिंग दे रहे, सब कुछ हो चुका है हमारा, उसके बाद भी सर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो अभी लोक सेवा आयोग से यही रिक्वेस्ट है, हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दे दें, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। आकांक्षा द्विवेदी, इलाहाबाद। चेयरमैन सुनो पुकार, यही पुकार, भाजपा सरकार नियुक्ति दो। आयोग चेयरमैन सुनो पुकार।